बायोलॉजी में जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आती हैं। आज हम इस वीडियो को अगर देखते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को कुछ ही सेकेंड्स में हल कर सकते हैं। जैसे कि उनमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व थ्री पेयर्स ऑफ करेक्टर्स विच विल गिव राइज टू द F1 हाइब्रिड्स विच आर हिट्रोजाइगस फॉर थ्री जीन्स। How many types of gametes will be produced in both male and female? यहाँ हम कह सकते हैं कि एक अभी मेंडल्स लॉ अगर आपने पढ़े हों तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आप समझ चुके हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स ओनली वन पेयर ऑफ करेक्टर्स, डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स टू पेयर्स ऑफ करेक्टर्स, एंड हेयर इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दैट इन्वॉल्व थ्री पेयर्स ऑफ करेक्टर्स। यहाँ पर तीन जोड़ी लक्षणों का से रिलेटेड एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया जाता है विच विल गिव राइज टू द F1 हाइब्रिड, जिसका कि F1 हाइब्रिड जो होता है विच हिट्रोजाइगस फॉर थ्री जीन्स। तो जो F1 हाइब्रिड्स है वो तीनों जीन्स के लिए हिट्रोजाइगस है। दैट मीन्स अगर हम बात कर सकते हैं कि तीनों जीन्स के लिए हिट्रोजाइगस, अगर तीन जीन का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो वो कैसे हो सकता है। एक जीन सपोज करो ए है, उसके LL2, दूसरा जीन बी और तीसरा जीन सी, अगर इनका क्रॉस करते हैं, इनके ये डोमिनेंट ट्रेट्स हैं और इनके रिसेसिव होंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। F1 जनरेशन में हिट्रोजाइगस हाइब्रिड ऑब्टेन होता है। तो अगर ए जीन का रिसेसिव जीन ए इसके साथ लगा दें तो ये हिट्रोजाइगस फॉर ए जीन, सिमिलरली हिट्रोजाइगस फॉर बी जीन एंड हिट्रोजाइगस फॉर सी जीन। तो अगर ऐसे क्रॉस किया जाता है, इनमें इंटरब्रीडिंग होती है, तो हम देखते हैं कि जनरेशन में कुल प्रोजेनी कितनी हो सकती हैं या इनके कितने गैमेट्स बन सकते हैं। किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ पूछा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ मेल एंड फीमेल। अगर इनमें इनब्रीडिंग होगी तो ए बी और सी तीनों के हिट्रोजाइगस को इसी के साथ क्रॉस करने पर रिजल्ट क्या ऑप्टेन होता है। मतलब हमें सिर्फ गैमेट्स बताने हैं कि इनमें अगर सपोज करो ये मेल है और दूसरा ये फीमेल है तो इनमें क्या गैमेट्स आ सकते हैं। यहां पर हम इसको देख सकते हैं, टाइप ऑफ गैमेट यानी हम टाइप गैमेट्स कितने प्रकार के उत्पन्न हो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज 2 to the power n। n हेयर इज द नंबर ऑफ हिट्रोजाइगस पेयर, वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर। n यहां पर हम देखते हैं n इज इक्वल टू 3 है। n की वैल्यू है कि किसी भी क्रॉस में हिट्रोजाइगस पेयर कितने हैं। तो अगर हम पेनेंस में देखते हैं तो हिट्रोजाइगस पेयर यहाँ पर 3 है। इसी तरीके से हम और भी n की वैल्यू कैसे देख सकते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड करेक्टर यानी कि हाइब्रिड करेक्टर्स उसमें कितने हैं। एक करेक्टर ए जीन से कंट्रोल हो रहा है, दूसरा करेक्टर बी जीन से कंट्रोल हो रहा है और तीसरा सी से, यानी कि इसमें हाइब्रिड करेक्टर 3 है। तो n की वैल्यू होगी 3। इसीलिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टाइप ऑफ गैमेट्स कितने हो जाएंगे, टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 2 to the power n इज इक्वल टू, वेयर n इज इक्वल टू 3, 2 into 2। अगर हम यहाँ पर एक और स्टेप ये मिस हो गया, 2 into 2 करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 आंसर आएगा 8, यानी कि इसमें 8 टाइप ऑफ गैमेट्स इसमें बनेंगे। इस प्रकार इसके हम सॉल्यूशन को देख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें और भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जिसमें पूछा जाता है, यहाँ पर तो केवल टाइप ऑफ गैमेट पूछा है, अगर फीनोटिपिक यानी फीनोटाइप्स पूछे तब भी 2 to the power n हम यूज करते हैं। यदि टाइप ऑफ जीनोटाइप इसमें पूछा जाए तो 3 to the power n एंड नंबर ऑफ जाइगोट प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फिंग ऑफ अ जीनोटाइप। जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा है कि अगर हम इसकी सेल्फिंग करते हैं या इनमें क्रॉस करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं
हैं तो इसमें कितने जाइगोट प्रोड्यूस होंगे वो भी हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आपने मेंडल्स लॉ में, यहाँ पर हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, मेंडल्स लॉ में आपने पढ़ा था थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें मेंडल ने ये जो इसका एक्सपेरिमेंट किया था वो डाईहाइब्रिड क्रॉस था, यानी कि उसमें दो पेयर करेक्टर्स इन्वॉल्व थे, यानी कि ये एक डाईहाइब्रिड क्रॉस था जिसमें वाई जो रिप्रेजेंट करता है वो सीड के येलो कलर को, और इसका कॉन्ट्रास्ट करेक्टर था स्मॉल वाई दैट रिप्रेजेंट ग्रीन कलर ऑफ सीड। सिमिलरली सेकेंड करेक्टर वॉज द शेप ऑफ द सीड दैट इज राउंड, that is represented by R, and another contrast of round shape is wrinkled. तो दो जोड़ी इसमें जो करेक्टर लिया तो उससे एक प्लांट उन्होंने येलो और राउंड शेप वाले बीच वालों का क्रॉस कराया था ग्रीन और रिंकल शेप वाले प्लांट से। तो F1 प्रोजेनी जो थी उसमें डोमिनेंट करेक्टर रिप्रेजेंट हुआ था, और सभी F1 प्रोजेनी जो ये हाइब्रिड थी हिट्रोजाइगस, बोथ करेक्टर्स के लिए वो हिट्रोजाइगस थी और उसमें येलो और राउंड करेक्टर ऑब्टेन हुआ था। अब हम इसको अगर इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं या हम इसमें इंटरब्रीड करते हैं तो ये दोनों पेरेंट्स की तरह से काम करेंगे, और F2 प्रोजेनी में क्या रिजल्ट होगा। तो हमने देखा था कि एक पेरेंट के गैमेट्स, जो कि सपोज करो ये मेल है, तो इसके मेल गैमेट्स जो बनेंगे वो कैपिटल Y दोनों R के साथ, एक गैमेट ये बना, दूसरा गैमेट ये बना, फिर स्मॉल Y दोनों R के साथ, एक गैमेट ये गैमेट। तो एक पेरेंट के ये चार गैमेट्स इसमें बन रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर ये दूसरे पेरेंट्स के गैमेट्स इसके अंदर बन रहे हैं। हमने यहाँ फॉर्मूला टाइप ऑफ गैमेट 2^n इसमें लगाया था, तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले से इसका रिजल्ट ऑब्टेन किया था कि अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है तो गैमेट्स जो बनते हैं वो इसमें फॉर्मूले को पुट करने पर तो वो 2 × 2, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 था, और यहाँ पर ये रिजल्ट आ रहा था कि 8 गैमेट्स बनेंगे। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमने पूरा इसे सॉल्व करके देखा हुआ है। गैमेट्स इसमें एक पेरेंट्स के गैमेट्स चार तरह के बन पा रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के जरिए। इसी तरीके से हम इसके टोटल जो जाइगोट इसमें प्रोड्यूस होंगे उनको काउंट करके लिख सकते हैं। हम ये फार्मूला तीनों जगह अप्लाई करते हैं, टाइप ऑफ गैमेट क्योंकि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है, और टाइप ऑफ फीनोटाइप भी इसमें इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस होने की वजह से n इज इक्वल टू 2 होगा, और इसमें अगर हम n की वैल्यू को पुट करते हैं तो टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी 2 × 2 इज इक्वल टू 4। और आपने अगर इसका पूरा ये लॉ पढ़ा है तो देखा होगा चार तरह के ही फिनोटाइप्स इसमें डेवलप हुए थे। हम फिनोटाइप, टाइप ऑफ फिनोटाइप भी इसी से ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके डायरेक्ट बता सकते हैं। इतना लंबा सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर को दे सकते हैं। टाइप ऑफ जीनोटाइप, अगर आप यहाँ पर इसको जैसे एक जीनोटाइप ये यहाँ पर इनके क्रॉस से यहाँ ये आई, दूसरा जीनोटाइप यहाँ पर YY कैपिटल R स्मॉल R ये जीनोटाइप आया। टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर आप इस पे पूरा भरने के बाद देखोगे तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं 3 और n की वैल्यू 2 तो इज इक्वल टू 9 आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर 9, इसमें 9 टाइप के ही आप जीनोटाइप पाएंगे। इतना बड़ा सॉल्यूशन ना करके फॉर्मूले में वैल्यू को, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके सीधे वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह जाइगोट, टाइप ऑफ जाइगोट अगर पूछते हैं तो ये जितने यहाँ बॉक्स बने हैं उतने ही टाइप के जाइगोट हैं, हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 and 4, तो चारों इनको अगर हम सॉल्व करते हैं 16 टाइप के जाइगोट्स हमें अगर काउंट करते हैं तो ये मिलते हैं। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डालते हैं 4 और n की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 4 × 4 इज इक्वल टू
16 फॉर्मूले से डायरेक्ट हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो हम इसी तरीके के और क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं हम उनको आंसर दे सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर फॉर्म्ड इन F2 प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ ए डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक डाईहाइब्रिड क्रॉस में कितने जीनोटाइप ऑप्टेन होंगे F2 प्रोजेनी में, जब अगर हम उस डाईहाइब्रिड का सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस है और इसमें जीनो नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछा है, तो टाइप ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू, वी ऑलरेडी नो फॉर्मूला है 3 to the power n, and n is equal to, because there is dihybrid cross, so n is equal to 2, by applying the value of n, 3 square is equal to 3 into 3, 9, answer will be 9, यानी type of genotype हम इससे obtain कर सकते हैं। इसी में ही अगर dihybrid cross में question टाइप ऑफ फीनोटाइप पूछ लिया जाए तो हम 2n का वाला फार्मूला लगाएंगे, टाइप ऑफ जाइगोट पूछ लिया जाए तो 4n वाला फार्मूला। तो हमें कुछ भी देर नहीं लगी, हम सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय F1 प्रोजेनी रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉस। अब यहाँ पर क्रॉस दिया गया है AA, BB, CC, दैट मीन्स ये एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स यहाँ पर पूछे गए हैं, और गैमेट्स का फॉर्मूला है, टाइप ऑफ गैमेट्स जो होता है वो क्या है, 2n, n इज इक्वल टू, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो 3, तो फॉर्मूले में 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 इज इक्वल 8 आंसर होगा। एक और क्वेश्चन एक बार कॉम्पिटिशन में आया हुआ है, अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इज मेड बिटवीन टू प्लांट्स विद जीनोटाइप AA, BB, CC, हाउ मेनी ऑफरिंग्स ऑफ सच क्रॉस विल हैव अ जीनोटाइप ऑफ रिसेसिव, ऑल द जीन्स हैविंग रिसेसिव कैरेक्टर, ऑल जीन्स आर रिसेसिव। तो इसमें इस एक क्या कहा है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है जिसमें दो प्लांट्स में क्या जीनोटाइप ये है, मतलब तीनों कैरेक्टर्स के लिए वो हेटरोजाइगस है, और हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सच क्रॉस विल हैव अ जीनोटाइप ऑफ लाइक दिस, ऑल आर स्मॉल A, B, C, ऑल आर स्मॉल, यानी सभी जीन्स रिसेसिव हैं। तो इसमें से कितने जीनोटाइप होंगे, अब देखो इसमें अगर हम सोचते हैं कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें कितने ऑफस्प्रिंग्स होंगे, हम इसका एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑप्शन जो है 64 में से एक है, 4 में से एक है, 16 में से एक है, या 32 में से एक है, यानी ऐसी प्रोजेनी केवल एक ही है, लेकिन कितने टोटल ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें से हमें ये देखना है। तो इसको देखने के लिए यानी हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप ऑफ जाइगोट्स, यानी कि यहाँ जैसे हमने पढ़ा था कि ये कितने इसमें ऑफस्प्रिंग्स टाइप ऑफ जाइगोट्स बता रहे हैं कि कितने टाइप्स के ऑफस्प्रिंग्स इसमें हो सकते हैं। तो क्योंकि ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है और टाइप्स ऑफ जाइगोट्स का फॉर्मूला है (4n), ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में n इज इक्वल टू 3, फिर हम यहां पर डालते हैं 4 into 4 into 4, तो आंसर विल बी 64, यानी कि हमारा आंसर, हम इसको ढूंढ सकते हैं कि ये वाला आंसर होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन हैज जीनोटाइप, F1 जनरेशन का एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये है, ऑन सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट, इसी प्लांट का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, व्हाट इज फीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। अब देखो ये थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है, F1 में अगर हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, इससे पहले हमने एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस और करा था, लेकिन उसमें यहाँ पर दो जीन जो हैं वो हिट्रोजाइगस हैं और एक होमोजाइगस है, वो जो पहले हमने क्रॉस किया हुआ है उसमें एक जीन
ये वाला भी हिट्रोजाइगस था, यानी कि तीनों करेक्टर जो थे हिट्रोजाइगस पोजिशन में थे, ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल, लेकिन यहाँ पर एक करेक्टर होमोजाइगस है और जो हिट्रोजाइगस है वो केवल दो करेक्टर हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज फीनोटिपिक रेशो, फीनोटिपिक रेशो इसमें पूछी गई है, यानी कि फीनोटाइप कितने तरीके के, अगर हमें इसमें देखो यहाँ केवल दो तरीके का फीनोटाइप है, यहाँ भी केवल दो तरीके का फीनोटाइप है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ टाइप तरह का फीनोटाइप है। हमें अगर ये पता चल जाए कि इस क्रॉस से फिनोटाइप के कितने तरह के फिनोटाइप होंगे तो हम उससे इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर हमने फर्स्ट जो यहाँ फॉर्मूला देखा था टाइप ऑफ गैमेट या फिनोटिपिक कैटेगरी 2 to the power n, इसका अगर फॉर्मूला हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर n इज इक्वल टू, एक बात और बताई थी, n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ हाइब्रिड करेक्टर या हिट्रोजाइगस पेयर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइब्रिड करेक्टर्स इसमें केवल दो हैं, एक B वाला और एक C, हिट्रोजाइगस पेयर केवल दो हैं, ये होमोजाइगस है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 ना होकर 2 हो जाएगी। और फॉर्मूला है टाइप ऑफ फिनोटिपिक रेशो के लिए, फिनोटाइप्स कितने तरीके के हो सकते हैं या जाइगोट कितने तरीके के हो सकते हैं, तो उसके लिए 2 की पावर n, 2 इज इक्वल टू n, यहां पर n इज इक्वल टू होगा 2, n इज इक्वल टू 2 क्यों होगा, क्योंकि यहां पर दो हेट्रोजाइगस करेक्टर्स हैं और ये तीसरा होमोजाइगस में है। हेट्रोजाइगस करेक्टर या हेट्रोजाइगस जो जीन होते हैं केवल वो ही n की वैल्यू में आते हैं, तो फॉर्मूले में अगर हम 2 की n की वैल्यू 2 रखते हैं तो आंसर विल बी 4। तो यानी कि 4 तरीके के फिनोटाइप यहाँ होने चाहिए और इसमें केवल एक ये ही इकलौता एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 जीनोटाइप आ रहे हैं, बाकी ये जो ऑप्शन होता है वो फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें तीनों के तीनों हिट्रोजाइगस में होंगे, ए भी स्मॉल होगा तो वहाँ पर इसका ऑप्शन आता है। एक और क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय F1 प्रोजेनी से कितने तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉस, वही सेम क्रॉस है, यहाँ पर F1 प्रोजेनी जो हो जाएगी वो तीनों हिट्रोजाइगस होगी और इनके जाइगोट कितने तरीके के हो सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, 3 हेट्रोजाइगस करेक्टर्स हैं, तो जाइगोट के टाइप में 2 की पावर n और यहाँ पर 3 लिखने पर आंसर जो होगा वो 8 होगा। अब मेरे मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड आप कैसी भी प्रॉब्लम्स में इसमें कुछ भी पूछा हो, या तो फिनोटाइप पूछा हो या जीनोटाइप पूछा हो, आप इनका आंसर चुटकियों में सेकंड्स में इन फॉर्मूले को अगर आप समझ चुके हैं तो बिना किसी लंबी चौड़ी इस तरीके के पूरी कैलकुलेशन को किए बिना ही इसको सब कुछ एक्सप्लेन करे बगैर ही आप डायरेक्ट आंसर इसमें बता सकते हैं। थैंक यू।